अल्लाह सोना दिती है उन्हें को अल्लाह सोना दरेह देवे आमीन दरेह दिती है सदेवे सही असन गरीब ने नाल तामन पकरन अल्लाह सोना उन्हें दी बरकत अता फरमावे आमीन मनाला जेरी सारे नाल तामन कीते ने उन्हें को सोना का घर दिखावे आमीन सोना अल्लाह ने दत राजी थीवे असन गरीब ने नाल मदद पकरवेन अल्लाह ने को बहु देवे देवे ते सागा गरीब ने मदद पकरवेन आमीन मनाला रिस्क माल च हर गार च उन्हें दी बरकत पावे आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी फैमिली में जो एक गुर्बत की चक्की में पिस रही है। ये जो मेरी माँ जी बैठी है, इनके दो बच्चे हैं, इनका जो बेटा है आंखों से नबीना है, इनकी आंखों की बिनाई नहीं। ये इनका रूम है, आपके सामने ये हालत देख सकते हैं इस रूम की। तो इनकी नौजवान बेटी है, इनकी एक नौजवान बेटी है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। तो आज मैं अपनी इन मजबूर फैमिली के लिए, इस डेसीबल भाई के लिए, इसकी सिस्टर के लिए एक सिलाई मशीन लेकर आया हूँ जो यूके से ज़ैबुन निसा की तरफ से आए। दुआ है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आपने एक मजबूर मुस्तहिक फैमिली की मदद की, उनको ये एक नेक सोच रखी, उनको घर में कारोबार दिया। ये मेरी माँ जी और ये मेरी बेटी बच्ची मजूर है, अल्लाह को धन्य है। आपकी भी टांग टूटी हुई है ऐसे बेटा, आपकी अम्मी की टांग टूटी हुई है। ओहो, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाए। देखिए जी जी माँ जी जी, इस माँ जी की भी टांग टूटी हुई है, टांग से डेसीबल है। बेटा जो है वो आपके सामने है, आंखों की बिनाई नहीं है उसकी। एक ये मेरी बहन जी, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। ये बेचारी माँ के साथ जाती है, खेतों में काम करती है, मेहनत करके मजदूरी करके शाम के लिए अपने लिए कुछ रोजी रोटी कमाती है, अपने भाई का पेट भी पाल रही है, अपनी माँ के लिए भी रोजी रोटी ये मेरी बच्ची कमाती है। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। तो इस माँ जी ने रिक्वेस्ट की थी मेरी बच्ची को सिलाई मशीन मिल जाए। ये जो बाहर जाकर खेतों में काम करती है, लोगों के घरों में जाकर काम करती है, वही मेरी बच्ची अपने घर में बैठकर कपड़ों की सिलाई करके हमारे लिए अपने लिए रोजी रोटी कमाती रहेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यूके से ज़ैबुन निसा की तरफ से अपनी इस बहन जी के लिए, इस डेसीबल फैमिली के लिए सिलाई मशीन लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस माँ जी की रिक्वेस्ट है, ये इनका कब्र आप देख रहे हैं, मड का बना हुआ एक छोटी सी कोठरी है। तो इस माँ जी की रिक्वेस्ट है मेरी इसी रूम की, इसी कमरे की, मट का बना हुआ है ना के सालत में इसी की छत डाल जाए, हम यहाँ पे गुजारा कर लेंगे ऐसे ना। जी जी जी। बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है, अभी ठीक है आपकी? अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हैं? सिलाई मशीन करते थे। सिलाई मशीन करते थे, आपकी सिलाई मशीन थी? नहीं। तो उसके बाद आप कहाँ पे करते थे, आप कहाँ पे फिर काम करते थे? बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे। कितने पैसे देते थे आपको? 10,000 रुपया एक मंथ का देते थे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाए। तो पहले आप सिलाई मशीन कहाँ से सीखते रहे हैं? ऐसे किसी की उठा लेते थे। किसी की उठा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लिए अपनी सिलाई मशीन आ गई है। आप खुश हैं? जी हां खुश। जी, जिन्होंने ये आपके लिए इंतजाम किया है, यूके से ज़ैबुन निसा है, आपने उनके लिए दुआ करनी है, ठीक? हाँ हाँ। भाई जान आप कैसे है? तबीयत ठीक है? ये इधर रखते हैं, कोई नहीं उठाता, आपकी है, ये आपकी बहन की है। हाँ ये इधर पड़ी है, कोई नहीं। मैं तस्वीर खड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं। आपको क्या मसला है, आपकी आंखों की बिनाई को है? माँ जी इसकी आंखों क्या हो? दो दफा ऑपरेशन है ये अच्छा
माँ जी क्या हुआ था? ए माँ जी मेरा पोत्र इंदा जरा एकदम मुल्क ही बड़ा पी गई, पता नहीं क्या साहब जरा बड़ा था ऐसा साहब को पता लग गया। अच्छा, इदी दीद अब इसकी बिनाई नहीं है? बिनाई से? अच्छा, बिनाई से वाली नहीं नहीं, अब इसकी आंखों की जो बिनाई एक आंख से थोड़ी सी दिखती, थोड़ी सी नहीं जी, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी इन्हें पढ़ने कर। अच्छा, दूर दूर। अच्छा बेटा, आपका कोई और भाई है कमाने वाला जो आप कमाते? आप खुद कमाती हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश हैं, आपको सिलाई मशीन मिल गई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? और मेरे भाई जो मजदूर है, हम यही कहते हैं कि हमारे एक कमरे की छत बनवा दे। इस कमरे की छत मिल जाए आपको इंशाल्लाह। आपने दो में याद रखना है जी, जब बारिश आती है लोगों के घर रहते हैं। ओहो, जब बारिश आती है आप लोगों के घरों में चले जाते हैं। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाए। इसी रूम की छत डाल जाए आपकी? रूम की छत डाल। अच्छा जी, ये रूम भी मड का बना हुआ है, ये भी नाकिस हालत में है? ये 5-6 साल का है। सही है। अच्छा जी, यही सही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बेटी कहती है यही रूम सही है हमारा, बस इसकी छत डाल जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अच्छा वसीला बनाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। आपने दुआ करनी है, ठीक है? तो खोले आप मशीन, चेक करें इसको, खोले आ जाए बेटा, इसको बाहर निकाले, खोले इसका वारंटी कार्ड होगा वो भी निकाले, निकाले अपनी मशीन से, उठा ले बेटा, उठा ले। हाँ शाबाश, नहीं जाना। आपकी बहन को सिलाई मशीन दी है, आप खुश हैं? कितना खुश हैं ये सर? अच्छा, तुम क्या आखना चाहते हैं? मेरे मर्द से उनको मैं नको कोठा बनवा दूँ, कोठा बनवा दूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, ठीक है बेटा, चलाएं इसको। इसके अंदर ये देखें, ये वारंटी कार्ड है आपकी सिलाई मशीन का, ठीक है? इसकी 5 साल की वारंटी है आपकी मशीन की, आपने इसको गुम नहीं होने देना है, इसको महफूज रखना है, ठीक है? 5 साल के दौरान अगर ये ख़राब हो जाएगी, कोई डिफेक्ट आ जाएगा, इसको दोबारा चेंज करवा कर देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा जी। इसके अंदर टूल बॉक्स होगा, वो निकालें, उस साइड पे होगा टूल, निकालें, चेक करें इसके अंदर सामान मौजूद है। ये एक्स्ट्रा सामान मौजूद है इसके अंदर, ठीक है जी? आप खुश हैं जी? ठीक है अल्लाह।